संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। समास चल रहे हैं और द्वितीय तत्पुरुष समास तक हमने जान लिया है। तो इसी बीच में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समास में प्रत्यय भी आए थे, तो प्रत्यय को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे और कत प्रत्यय ही जानने का प्रयास करेंगे। कत कत बतू, ठीक है, ये जो प्रत्यय है इन्हें जानेंगे। छोटा लिख गया है थोड़ा, कोई बात नहीं। अब इनको जानने से पहले, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जब तक आप सूत्र नहीं करेंगे याद, इनको रटते रहिए। वैसे सभी जानते हैं कि कत में ता बचता है और कत वतु में तबत बचता है, लेकिन इनको जिंदगी भर रटते रहिए, समझ नहीं आएगा। मैं कोई 8 से 10 सूत्र बताऊँगा, उन्हें कंठस्थ कर लीजिए, उनको समझाऊँगा, उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं शब्दों की दूंगा, फिर उनकी सिद्धियां करना सिखाऊंगा कि शब्द कैसे सिद्ध होते हैं, कैसे बनते हैं। और जब सिद्ध सीख जाएंगे, सिद्धि अगर आपने सीख ली तो फिर दिमाग में पूर्ण रूप से उसमें बैठ जाती है, भूलते नहीं है चीजों को, ठीक है। तो जैसे सूत्र है बिल्कुल सेम यही है, कत कत वतु निष्ठा, ये सूत्र है, ठीक, कत कत वतु निष्ठा। अभी उनकी सूत्रों की व्याख्या मैं अभी थोड़ी देर में ही समझाऊंगा। दूसरा सूत्र इसी में ले सकते हैं हम, निष्ठा। इन दोनों सूत्रों को समझ लो फिर आगे चलेंगे। ये कह रहा है कत और कत बतु, यानी कत कत बतु, इन दोनों सूत्रों की, दोनों शब्दों की, वो प्रत्ययों की, दोनों जगह गलत भूल गया हूं, ना तो ये सूत्र है ना प्रत्यय, ये दोनों जो प्रत्यय हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है, ठीक है। कत कत बतु निष्ठा, इससे क्या हो जाएगी? निष्ठा संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा विधायक सूत्र हो गया। मैं प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक पाठ बताने का प्रयास करता हूं कि आपको कैसे कैसे करना है। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, सूत्र से निष्ठा संज्ञा होगी। दूसरा कह रहा है निष्ठा, अब इस निष्ठा का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं कि जो निष्ठा है वो भूतकाल से हो, अर्थात भूतकाल, भूतकाल आप जानते हैं, लंग 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 जितने भी हैं वो सब भूतकाल में प्रयोग करते हैं। उन भूतकाल में जो भी प्रत्यय किया जाएगा, तिंग प्रत्यय को छोड़ करके कृदंत प्रत्यय, तो वो निष्ठा प्रत्यय के अंतर्गत, जिनकी निष्ठा संज्ञा है वो ही उसमें प्रयोग किए जाएंगे। अब निष्ठा संज्ञा किसकी है, तो हमें ऊपर सूत्र बता दिया, कत कत बतु निष्ठा, इस सूत्र के द्वारा कत और कत बतु, इन दो प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा है। इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब कुछ थोड़े से नियम है इसमें, ये तो कह देते हैं सीधे धातु से हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ शब्द बदल जाते हैं, वो नियम थोड़ा सा समझते चलें। एक सूत्र आता है रदाभ्याम निष्ठा तो नहा पूर्वस्य चादा। आज मैं केवल सूत्रों को समझा रहा हूं, आने वाले समय में मैं शब्दों को समझाऊंगा, सूत्र जब तक आपको कंठस्थ हो चुके होंगे। एक संग पेट भरने से काम नहीं चलेगा, धीमे 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 पचते पचते काम करते रहिए। तो यह सूत्र क्या कहता है कि रा और दा, रा और दा निष्ठा तो न, रा और दा युक्त जो भी धातु हो उनके बाद में निष्ठा संज्ञा का ता हो, ठीक है ना, ये ता की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कत की बात कर रहे हैं, कत पतु की भी बात नहीं कर रहे, वो बाद में बात करेंगे। केवल आप ता को ध्यान रखिए, हाँ, हालांकि ताबत भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ता का चेंज हो जाएगा पूरा, तो जब ता होगा तो तबत का भी ता भी बदल जाएगा, फिर दिमाग में कंफ्यूजन आएगी, पहले वो ता को याद रखेंगे आप, ता दोनों में आते हैं इसलिए दोनों की जगह ही बदल जाएगी। तो जो हम निष्ठा में ता प्रयोग किया जाता है प्रत्ययों में, उस ता के स्थान पर ना हो जाता है, ठीक है। रदाभ्याम यानी कि भ्याम, अब इसमें जो सूत्र होते हैं वो पूरे विभक्ति युक्त होते हैं, पूरी व्यवस्था दी रखी है उसमें, बड़े अच्छे से व्यवस्था अष्टाध्याय की। तो रा और दा दोनों के स्थान पर यदि के बाद यदि ता आए, यानी कि ता क्या आए, कत कत बतु का जो ता आए उसके स्थान पर ना हो जाता है, यानी ता का ना बदल जाता है, इसको याद कर लेना, शब्द समझेंगे समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि पूर्वस्य चा दा,
और पूर्व के दा के स्थान पर, पूर्व का दा ये है यानी कि इसका भी ना हो जाता है, तो ता का भी ना हो जाता है और दा का भी ना हो जाता है, इसलिए हमने किसी किसी शब्द में भिन्न है ना दो ना देखे हैं। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे पता कैसे चलेगी कैसे ये प्रयोग किया गया है। तो याद रखना रा का ना नहीं होता, इस दा का भी ना हो जाता है और ये ता का ना तो होता ही होता है, तो इसलिए किन्हीं किन्हीं शब्दों में हमको दो ना प्राप्त होते हैं। ठीक, रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य चादा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चले संयोगादे रातो धातोर यणवतः, ठीक है अब इसको थोड़ा सा समझ लो। संयोगाद यानी कि संयोग, संयोग का मतलब क्या होता है जुड़े हुए, हम जानते हैं इस बात को। आत आत शब्द जब भी आए अकारांत युक्त हो वो, और धातु के धातु में क्या हो यणवत, यणवत होना चाहिए यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए, आकार युक्त होना चाहिए और यण युक्त होना चाहिए, या वा रा ला, ये इनमें से कोई एक वर्ण उस धातु में जुड़वा में रहनी चाहिए। जैसे द्रा है ना, द्रा संयुक्त भी है, रा भी है और आकार युक्त भी है, ये तीनों कंडीशन यहां पर अप्लाई है। कंडीशन मतलब यहां तीनों सिचुएशन स्थितियां मिल गई हैं जो तीन इसमें बताई हैं। तो संयोगाद आते धातु यणवतः तो क्या होगा, तो ता के स्थान पर ना हो जाएगा यदि इस तरह की व्यवस्था मिलती है। तो कौन सा ता, कत कत बतु निष्ठा वाला जो ता बचता है उस ता के स्थान पर ना हो जाएगा। तो दो चीज समझ में आ गई हमको, चलो अगले वाले पे चलते हैं। पांचवा लुआदिभ्यश्च, लुआदिभ्य क्या कहता है लून आदि 25 धातुएं हैं, 21 धातुएं हैं करीब, उन सभी जब भी वो आ जाएं 21 धातुओं में से कोई भी, मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में शब्दों की नहीं आज सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूं। तो ये जो धातु इस सूत्र के द्वारा ये जो 21 धातुएं हैं उन सभी से क्या प्रत्यय होगा, कत कत प्रत्यय निष्ठा नित्य, ये प्रत्यय होगा। जब भी ये प्रत्यय हो तो उसमें कत प्रत्यय में जो ता बचता है उसके स्थान पर इस सूत्र के द्वारा ना हो जाएगा, सभी धातुओं के में जब भी ता आ जाएगा तो ता के स्थान पर ना रह जाएगा। ता को मैं बता रहा हूं हमेशा, ता को याद रखना है कत का ही ता है, कत बतु का ही ता है, ठीक है उन्हीं के स्थान पर यह ना होगा। आगे है छठवां हलहा, हलहा थोड़ा समझना क्योंकि जब तक इसको उदाहरण नहीं समझेंगे व्यवस्था नहीं समझ पाएंगे आप, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, जो भी धातु दे रखी होगी उसमें जो स्वर दे रखा होगा उसको दीर्घ करने की इसमें प्रक्रिया है, अर्थात इसके द्वारा जैसे जी धातु है, जी जब भी आ जाएगा ता आ जाएगा तो जी और ता हो जाएगा, बाद बाकी फिर जो क्या होगा इसका वो आगे की प्रक्रिया है। तो जो दीर्घ हुआ इस हल के द्वारा हुआ, ठीक है वो आगे विस्तृत में समझाऊंगा मैं आगे। हल हो गया, सातवां है ओदितश्च, ओदितश्च कहता है यदि वो किसी धातु का इत हो गया हो, ओ इत इसको अगर संधि करेंगे तो ओ ओत इत बनेगा ना, ओत इत, ठीक है ओत इत का मतलब किसी धातु का यदि ओ इत संज्ञक हो गया हो, जैसे भुजो है, भुजो में जो ओ है वो उपदेश अयोनासिका है उसका इत हो जाता है तो भुज बचता है, ठीक है भुज बचता है तो ये ओत धातु होगी, ओ वाली ओ इत वाली धातु होगी, तो इसमें क्या होगा
इसमें सीधा इसमें कह रहा है सूत्र कि ता के स्थान पर ना हो जाएगा जब भी प्रत्यय आएगा, ठीक। ओदितश्च ये हो गया, और है चलिए आठवां हो गया, शिष्यः का, शिष्यः का कहता है कि शुष धातु जब भी आ जाएगी, शुष धातु जब भी आ जाएगी तो जो ता है उसके स्थान पर का हो जाएगा, शिष्यः क। हम अब तक तो ता के स्थान पर ना पढ़ते आए थे, लेकिन जैसे शुष धातु लग जाएगी तो ता के स्थान पर क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। इसको तो तुम सीधे प्रयोग कर सकते हो, शुष लगा हुआ है, कत प्रत्यय लगा हुआ है, कत में आनंद लगाने पर हटाने पर ता बचता है, तो ता के स्थान पर शुष और का बचेगा, तो शुष्कहा, शुष्क माने सूखा, बच गया ना, बच गया, ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से शुष का एक सूत्र के द्वारा ता के स्थान पर का हो जाएगा, ठीक। चलिए नवा पचोवा है ना, अब पचोवा है, पच धातु है, पच धातु में यदि ता आएगा तो ता के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वा, इसीलिए तो पक्को बन जाता है शब्द, है ना। चूजो चूजो को होता है एक सूत्र, उससे चा के स्थान पर का आदेश हो जाता है, तो पक्वा ये शब्द बन जाता है, वा दिमाग में नहीं बैठता कि वा है किस विभक्ति का, प्रत्यय का। तो याद रखना ये ता का ही वा में बदला गया है, कत कत पतु निष्ठा के अंतर्गत ही जो ता प्रयोग हुआ है कत प्रत्यय में, तो ता का वा हुआ किस सूत्र से हुआ है, पचो वा से, ठीक है। इन सूत्रों को रट लेना, जब तक ये नहीं रटेंगे आप कत प्रत्यय तो कभी सीख ही नहीं सकते, ये पक्का है। दसवां है छायो मह, यानी कि छय धातु है, उसमें जब भी ता प्रत्यय लग जाएगा तो ता के स्थान पर मा हो जाएगा, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, मा हो जाएगा। एक दो सूत्र और हैं, ग्यारहवां है निष्ठाया सेटी, निष्ठाया सेटी कहता है सा इट, यानी कि इट युक्त जो निष्ठा में प्रयोग कर रहे हो, एक मिनट साफ आ रहा नहीं यार, देख लो जरा, ठीक आ रहा है। तो इट युक्त जो निष्ठा में प्रयोग किए गए हो तब क्या होगा, तब भी जो इट है उसके साथ में जो ता आएगा उसका भी नाम हो जाएगा। एक और सूत्र है बारमा, दधा तेरह, दधा तेरह 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 ऐसी बोला जाएगा, आप देख लीजिए कैसे बोला जाएगा, दधा तेरह इस तरह से बोला जाएगा। यह सूत्र कहता है धा के स्थान पर धा जब भी धातु आ जाएगी ही आदेश हो जाएगा, जब भी कत प्रत्यय लग जाएगा तब, ठीक है। ऐसे ही एक सूत्र और आता है इसी में, ये 12-15 सूत्र हैं, उनको कंठस्थ कर लो, ये बार बार रिपीट करिए आप, दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर इसमें गलतियां होनी खत्म हो जाएंगी। और हमेशा इतने ही आते हैं, हमें वो हलवा बना जाता है ना दिमाग में, तो बहुत सारी चीजें लगती हैं, वो बताऊंगा मैं अभी। एक सूत्र और आता है दो दद घो, यानी कि घू संज्ञक जो दा धातु है, हमने दा घू संज्ञक जानी, घू संज्ञा जानी आप, दादा गोधा ऐसे करके सूत्र है, उस संज्ञा प्रकरण में जाकर के आप देखें, मैंने संज्ञा प्रकरण के बहुत बार बताया है, जब भी इनको याद करेंगे आप वो संज्ञा प्रकरण आपको बार बार याद हो जाना चाहिए। तो दा घू संज्ञक है, इस दा को जब भी कट प्रत्यय के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा तो दद आदेश हो जाएगा, और दद का चरत्व संधि से खरीचा से इसको ये हो जाएगा, फिर दत्त ऐसा तो करके प्रयोग बन जाता है, दत्त ये प्रयोग बनता है इसका, ठीक है। इस सूत्र से क्या होता है, जो घू संज्ञक दा है उसको दद आदेश
हो जाता है। हो गए मुझे लगता है, देख लेता हूं एक बार, अगर कोई सूत्र छूटा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी एक बार और इसमें थोड़ा सा रिपीट करा दूं, एक चीज थोड़ी सी मैंने गलत बता दी है। कभी कभी मैंने बताया नहीं कि मैं बहुत सारी चीजें गलत कर देता हूं, तो इसमें एक चीज गलत बता दी है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप भी थोड़ा पुस्तकों का सहारा लेते रहें, इससे कि कहीं ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। वैसे कोशिश करता हूं, वीडियो 2 से 3 बार देखता हूं तब डालता हूं, अन्यथा इसीलिए मुझे 2-2, 3-3 बार वीडियो बनानी पड़ जाती है। एक भी गलती नहीं छोड़ता, फिर भी रह जाती है गलती, लिखने में तो हमेशा गलती रह जाती है। तो जो निष्ठाया सेटी है इसमें ना ताका, जो निष्ठा है ताका ना नहीं होगा। ये सूत्र कहता है कि जो नी आदेश हो रहा है, अब नी आदेश कैसे हो रहा है वो जब सिद्धि करेंगे तब जानेंगे, तो उस नी आदेश को निषेध करता है ये, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है। तो कत निष्ठा से निष्ठा संज्ञा हो जाती है इन दोनों की, दोनों प्रत्ययों की। निष्ठा कहता है कि भूतकाल में जब भी कोई चीज प्रयोग की जाएगी तो उससे ये निष्ठा वाले प्रत्यय, निष्ठा संज्ञा वाले प्रत्यय प्रयोग किए जाएंगे। रदाभ्याम निष्ठा तो ना पूर्णवस्य चादा कहता है कि रा और दा के बाद में यदि ता है तो ता के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, और पहले बारे दा के स्थान पर भी ना आदेश हो जाएगा। लेकिन कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? ये वाला प्रत्यय होना चाहिए। संयोगाद राते धातु निर्णयवत, ये वही कह रहा है, संयोग धातु युक्त जो धातु है और आत युक्त है, या वारा ला ये भी उसी धातु के अंतर्गत होने चाहिए, तब ता के स्थान पर ना आदेश होगा। लूंग आदि 21 धातु हैं, उनमें प्रयोग होंगे ये जब भी प्रत्यय, तो ता के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। हलश्च कोई खास नहीं है, ये दीर्घ करता है केवल, जैसे ये निष्ठा नी प्रत्यय निर्णी का लोप करता है। ओदितश्च ओ धातु जो मैंने बताई थी, ओ युक्त धातु जिनकी ओ इत संज्ञक होगा उसमें ता का ना हो जाएगा। शुष कह यानी कि शुष धातु के साथ में ता का हो जाएगा। पचो वा पच धातु के साथ में ता का वा हो जाएगा। छयो मा छय धातु के साथ में ता का मा हो जाएगा। और धाते नहीं कहता, धा धातु का ही आदेश हो जाएगा। दो दद घो घू संज्ञक दा धातु का दद आदेश हो जाएगा यदि ये प्रत्यय परे रहते हैं तो। ये इसका तात्पर्य, ये लगता छोटी चीज रही है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। आप थोड़ा सा अध्ययन करिए और इनको 2 बार कंठस्थ करेंगे तो प्रत्यय इससे ज्यादा नहीं है। प्रत्ययों में जो कत प्रत्युत प्रत्यय निष्ठा वाले जो प्रत्यय हैं, आपको मान के चलिए इससे ज्यादा सूत्रों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। कुछ हैं सूत्र जो सिद्धि में काम करते हैं, वो मैं साथ के साथ बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।